राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होने से पहले ही उलझ कर रह गया है। अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी अड़चने आएंगी उसे दूर कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के आवास पर घंटों चली इस समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापक के करीब 9,000 पद सृजन की स्वीकृति मंत्री स्तर से दे दी गई है और जल्द ही इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित बचत राशि की 60% खर्च होने पर चिंता जताई गई है। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जो अभी भी समय शेष बचे हैं उनमें 100% आवंटित बजट राशि खर्च होनी चाहिए। उन्होंने सरेंडर पॉलिसी पर चेताते हुए अधिकारियों को कहा कि किसी भी हालत में राशि सरेंडर ना हो, इसको ध्यान में रखना होगा। बजट पर समीक्षा किया और बजट पर जो खर्च होना चाहिए साल के मुताबिक कि हम बजट के बाद अप्रैल में कैपेशन करना चाहिए, मई में कैपेशन करना चाहिए, उस तरह का हमने कहा कि इसको बना के लाइए कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे और निर्देश भी दिया गया है कि हम इस बार कुछ नहीं चुने, पैसा है तो काम क्यों नहीं होगा, हम बजट सरेंडर क्यों करेंगे, सरेंडर पॉलिसी हम जीरो करना चाहते हैं, इसलिए सारे अधिकारी को बुलाए थे बजट पर, फिर 5 दिन के बाद फिर करेंगे, लगातार करेंगे कि जब तक मेरा पैसा है। लेकिन कुछ ऐसे बातें हो जाता है कि भारत सरकार समय पर पैसा देता नहीं है, हम लोग उसमें ऐड करके खर्च कर नहीं पाते हैं, डिले होता है, लेकिन डिले कोई माने नहीं, समय पर पैसा मिले, समय पर खर्च हो, समय पर जनता का काम हो, ये योजना लेकर हम चले हैं। ये बजट पर था और हमारे जैसे DBT जो पिछला बार हम लोगों ने किया संतोषजनक नहीं है, नहीं हमारे देखिए आपकी नज़र से चाहे किसी की नज़र से पिंड छुड़ाने की बात हुआ कि हम DBT कर दिए, 610 रुपया में कपड़ा देना है, बैंक वैसे पैसा कम रहता काट लेता है, बैंक काटते हैं पैसा, इसका भी हम लोग निकाल लाए हैं, फिर 2 दिन बैंक का फेरा लगाना पड़ेगा, 1 दिन में होगा नहीं, तो पोशाक तो कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं बना नहीं पाते, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो सारे बच्चे लोग को जो सरकार का